शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में तुम्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी तुम अर्ली एज में हो, इन योर ट्वेंटीज अगर तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वहाँ पर, एंड इसका जो फॉर्मूला है मेन अमाउंट पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, एन पावर में रहता है, ये होता है टाइम। तो जितना अर्ली एज से तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें 10,000 20,000 1 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा होगा भी नहीं स्टूडेंट के पास। जितना भी अर्निंग कर रहे हो, सपोज तुमने क्वेश्चन आंसरिंग, ऑनलाइन टीचिंग या फिर जो भी कंटेंट क्रिएशन जो भी कर रहे हो, उससे सपोज तुमने पर मंथ अराउंड 3,000 to 5,000 अर्न कर रहे हो मिनिमम, तो 3,000 to 5,000 से अराउंड 500 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़ तुम एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। पहले क्या करना है कि शुरुआत में तुम्हें जस्ट कोई भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में पैसा डालना है।